नमस्कार, मेरा नाम है राज अभी। मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एमए किया है और आज हम जानेंगे कि सा का रियाज कैसे करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर रियाज कर रहे हैं, वो आपका हारमोनियम हो सकता है, तानपुरा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो सकता है, वो परफेक्टली ट्यून होना चाहिए। अगर आप हारमोनियम पर रियाज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो 440-440 स्केल पर ट्यून होना चाहिए। अगर आप तानपुरा पर रियाज कर रहे हैं, मैनुअल तानपुरा पर, उसको अच्छे से ट्यून कर लें अपने स्केल में, जिसमें भी आप रियाज करते हैं, सी शार्प, सी, ए शार्प, ए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है तो उसे अपने स्केल पर सेट कर लें। सबसे पहले हम दो बार सा लगाएंगे, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझाते चलूँगा। आइए शुरू करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं करके बताता हूं। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आवाज में कंपन हो रही है, ये गलत है, हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना है? सा, क्या नहीं करना है? सा, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। कुछ लोग क्या करते हैं, सा या फिर सा। हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये एक पतली लाइन है, ये सा की फ्रीक्वेंसी है। सा यहां पर है, ध्यान से देखिएगा, सा यहां पर है। अब अगर हम ऐसे गाते हैं सा, हमने क्या किया, नीचे से सा ला करके इस फ्रीक्वेंसी में मिला दिया, जो कि गलत है। सा हमने क्या किया, ऊपर से सा ला करके इस फ्रीक्वेंसी में मिला दिया, ये भी गलत है। हमें क्या करना है, सा, हमें यहीं से शुरू करना है। हमें ये नहीं करना सा, नहीं करना सा, नहीं करना सा, ये करना है सा, ये करना है सा। समझ में आया? सा, ये नहीं करना सा, ये भी नहीं करना सा, ये करना है। समझ में आया? तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग सा को ऐसे गाते हैं, सा, गलत है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। आप देखना, हेडफोन पहन लीजिए, आवाज में फर्क देखना। सा, और दूसरा है सा, ऐसा लग रहा कोई खुश होके गा रहा है, कोई दिल से गा रहा है। वहीं सा, वो कहते हैं ना मार्केट में जो बातें, तीन उंगली तक मुंह खोल के गाना है, ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है म्यूजिक में। आपकी आवाज़, आप अच्छा साउंड करना चाहिए, आपकी आवाज़ बस इतना बहुत है। तो हल्की सी स्माइल, जीभ नीचे, नीचे वाले दांत के जो रूट हैं वहाँ पे, जड़ हैं वहाँ पे जीभ। अब सांस लेंगे भर के, सा, ये नहीं करना
सा, ये नहीं करना सा, ये भी नहीं करना, हमें क्या करना सा, मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, ऐसे नहीं सा सा सा, गलत है, सा सिंपल खुश होके गाना है सा, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक की ओर। जब हम गाना शुरू करते हैं सा या कोई भी स्वर, तो हम ऐसे गाते हैं, ये मान लीजिए वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, ऐसे सा, क्या किया जब सांस खत्म होने लगी तो आवाज को उन्होंने कम कर दिया, ये गलत है। हमें क्या करना है, जिस वॉल्यूम से हम शुरू करेंगे उसी वॉल्यूम के साथ हम खत्म भी करेंगे, जैसे कि सा, सांस खत्म खत्म, हमें ये नहीं करना सा, ये नहीं करना, हमें क्या करना सा, लास्ट में वॉल्यूम को जाके कम नहीं करेंगे सा, सांस खत्म खत्म सा, ये नहीं करना। समझ में आई, ये तीन बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेरी एक ऑनलाइन म्यूज़िक कंपनी है, अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहें तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके किसी भी तरह की संगीत से जुड़ी हुई बातें मुझसे कर सकते हैं, सुझाव मुझसे ले सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अलंकार को लेकर के, उसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक वॉइस कल्चर के ऊपर कुछ बातों को लेकर के, उसका PDF आप मुझसे पहले ही ले सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करके, जो कि आपके स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। रियाज करें, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।